रिएक्शन स्क्वाड। मैं हूं मारूज। मैं हूं असद बेग। जी तो आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है? आज की वीडियो है दुबई के बारे में, वो भी है अनुभव के साथ, और वो भी है स्टैंड अप कॉमेडी। भाई सजेस्ट की थी कमेंट में हमारे फॉलोवर ने, सब्सक्राइबर ने, तो देखते हैं कि 8 मिनट की वीडियो है, तो आपको क्या लगता है दुबई के बारे में क्या होगा? आई थिंक पुराना दुबई और जो न्यू दुबई है या फ्यूचर का दुबई है, कंपेयर किया जाए इसमें दुबई। हाँ मुझे भी यही लग रहा है कुछ, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी ट्रोलिंग तो होगी ना, थोड़ा फन तो होगा ना, थोड़ा मजा तो लग रहा होगा कि कोई गरीब बंदा दुबई चला गया, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है भाई। और इसके बगैर वीडियो स्टार्ट मत करना जब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करना, ठीक है? फॉलो कर लेना यार। बिल्कुल बिल्कुल इंस्टाग्राम पे जाके मैं फॉलो कर ले। चले सर वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। और ये हो गई, मतलब देखो मैं पर्सनली बस ये बताना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास कभी पैसे ना रहे और उसके बाद आ जाएं तो औकात में रहना चाहिए। ज्यादा टेंशन दिखाओगे ना तो फालतू में कटेगा तुम्हारा। जब मेरा पहला शो आया था बाहर का, दुबई का शो आया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मतलब खुश हो गया, मेरा ना ऐसा घमंड आ गया अंदर। मैं किसी को बताया नहीं, पर मेरे मन में ऐसी बात चल रही थी कि उस शो से जितने पैसे मिलेंगे ना ऐसे गड्डी बना के बुर्ज खलीफा फेंक के मार दूंगा कि वो लोग भी कहेंगे कौन रही साथ में आए। पर ये सब ख्याल ना नेपाल के लिए ठीक है, ऐसा मुझे पहुंच के पता चला। तो यार मैं दुबई पहुंचा, एक तो मतलब यार बहुत ही बेइज्जती हुई यार वहां जाके, वो साला शहर ही शो ऑफ कर रहा है यार। मैंने यहाँ तभी तभी अंडे पर खरीदी थी, मैं वहां पहुंचा एक भी नहीं दिखी। मैंने कैब बुलाई, मर्सिडीज आ गई। मैं कहा भैया पीछे बैठो मैं चला। तो हमारा ना 3 दिन का मतलब 1 दिन का क्वारंटीन था, हम 3 लोग गए थे, मैं, रोहित भाई, अंकुर भाई, दोनों मैनेजर और तीनों गरीब हम जाते हो गए थे। हम अरे 1 दिन का क्वारंटीन होटल में रुके हुए, तो हमारे होटल के नीचे 3 फरारी खड़ी हुई थी, तो हम रात भर नहीं देख रहे थे खड़े हुए। हमने कलर भी चूज कर लिए थे, तेरी वाली मेरी वाली। तो सुबह जैसे क्वारंटीन खत्म हुआ हमने कहा पास से जाके देखेंगे। हम उधर के पास से खड़े होकर फरारी देख रहे हैं, उसमें तो अंग्रेज बैठ कर हमें देख रहे हैं कि देखो गरीब लोग कैसे देख रहे हैं। थोड़ी देर में उसमें से एक बंदा उतरा, उसने उसका बोनेट खोला, तो मैंने रोहित भाई से कहा मैंने कुछ हो गया क्या इंजन में? कहते आगे डिग्गी होती है। यार देखो मैं बस रोया ही नहीं, बेइज्जती तो बहुत महसूस हुई। मैं रात भर से इंजन देख रहा था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ में रोज कुछ सीखने को मिलता है, पर इतना सीखने का भी मन था नहीं मेरा। थोड़ी देर में हमारी प्रमोटर आ गई हमें लेने टेस्ला से। टेस्ला तो मैंने देखी पहली बार थी। एक तो भाई उस गाड़ी में कोई आवाज लगवाओ यार थोड़ी बहुत, यहाँ आके पता चला गाड़ी आई। मुझे लगा कुत्ता उत्ता है, मैं घूमने गया, बगल से सांप निकल जाता ज्यादा आवाज कर जाता। वहां की खड़ी हुई उतरी उसमें से, उसने कहा आप लोग बैठिए, पीछे वाले गेट ऊपर को खुल गए उसके, ऐसे चील बन गई मेरे सामने। वो कभी खुशी कभी गम में नहीं खुले थे ऋतिक की गाड़ी के, मुझे लगा था VFX है वो। सच में खुल गया यार ऊपर को, मैं घबरा गया, मैं कहा आगे जाके बैठ जाते हैं। तो आगे बैठने में बेइज्जती हो गई, मैंने जहाँ से गेट खोला वहीं स्टेयरिंग था। देखो उल्टी भी तो होती है क्योंकि घूम के चुपचाप दूसरी तरफ जाके बैठ गया। तो कह रही अरे आप पीछे बैठे कंफर्टेबली, मैं कह नहीं नहीं मैं बहुत कंफर्टेबल यार, मैं इसलिए नहीं बैठा पीछे। देखो आर्टिस्ट होने के बाद मैं उससे किस मुँह से पूछूं कि दीदी बटन है लटकना है, ये बंद भी तो नहीं करने आते। ऐसा तो नहीं है सवारी बिठा के ऐसे ऐसे ही चलती है। बैठ गया आगे, कह रही आप कंफर्ट मिलेंगे, बहुत कंफर्टेबल, बस चलो चलो तुम। मैं ये देख रहा था ये दोनों कैसे बंद करेंगे क्योंकि आता तो इन्हें भी नहीं है। भाई वो बैठी उसने बटन दबाया पूरी गाड़ी बंद होगी, मैंने कहा गलत बात है ये तो, पीछे बैठना था मुझे। मैं कह चलो अब हम वहां से निकले, 160 पे गाड़ी चल रही है, हम तीनों फटी में बैठे हैं, किसे कैसे बताएं हम नहीं चलते इतनी तेज। मेरा मन करे से बोल दो दीदी मेरा एयरबैग खोल के चला गया। भाई 160 पे गाड़ी चल रही है, कहती आज ट्रैफिक बहुत है। मैं कह दीदी येरी मेरी गाल चाटा मार। आपको पता है हम जहां से आ रहे हैं हम सब मिलके 160 नहीं जा पा रहे हैं। 160 जाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस देख के सो जाते हैं कि देखो कोई तो जा पा रहा है।
थोड़ी दूर हम चले ऐसे, तो मैंने ऐसे टशन दिखाने को बोला, मैंने कहा आगे तो डिग्गी होगी ना। यार मैंने उसी दिन सीखा था, कहती हाँ पीछे भी डिग्गी है। मैंने कहा साइड में लगा उसको। मैं कहा इंजन कहाँ है इसका? कहती नीचे बैटरी है। मैं कहा ई रिक्शा है? तुम टेस्ला टुक टुक ले घूम रहे हो? बहुत बेइज्जती हुई यार। बुर्ज खलीफा चला गया मैं, मत जाना। वो जो गड्डी उछाल रहा था ना, ग्राउंड फ्लोर तक ना भेज पाता मैं उसके। वो सच में बहुत ऊंचा है यार, उसके नीचे खड़ोगे एक ही चीज दिखती है, औकात। एक तो उन सालों की लिफ्ट इतनी तेज ऊपर जा रही है, हमारा स्पाइस जेट का प्लेन नहीं जा पाता। उसका बटन दबाया, वो एक सेकंड में इतनी ऊपर ले गई, हम घबरा गए, हमने अपने आधार कार्ड निकाल लिए, हमने कह दिया मैं कहा वापस जाना है हम लोग। गलती से आ गए, हम तो खड़े हुए थे अपने आप ले आई। ऊपर एटमॉस्फेयर नाम का बाहर है, खुद ट्रोपोस्फियर में है वो। एक तो यार जो मैं गरीबी वाली बात बोल रहा था, टशन नहीं दिखाना, उस बार में चले गए हम, मैंने जाके बोल दिया सबसे महंगी ड्रिंक ले आओ। कुछ तो लाया वो, बहुत ही महंगी ड्रिंक। ठीक है, उन्होंने लाके ऐसे ग्लास दिया, मुझे घंटा नहीं पता क्या आएगी, पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एवरी डे। मैंने लेके रख लिया, उसके साथ में चम्मच में वो कुछ लाके रखा, कहता दिस इज कैवियर। भाई मुझे घंटा नहीं पता कैवियर क्या होता। मैंने वो देखा, मुझे लगा साबूदाने को इंग्लिश में कहते हैं। मच्छी के अंडे खिला दिए मैंने। ये कैसा चकना है भाई, मैं पूरे यूएस टूर पे पापड़ जेब में लेके घुमा हूं। किसी बार मुझे मैंने कैसे सेक के देते भाई, तुम्हारा भरोसा नहीं क्या खिला दोगे तुम। सारे ने दुबई मॉल बना रखा मेरठ से भी बड़ा। तुम्हें ये मॉल बड़ा लगता, जाके जाना उस मॉल में तुम्हें एक बार। साले एक मॉल में चले गए, एक भी ब्रांड का नाम नहीं लिया जा रहा, इग्नोर मारते घूम रहे हम बस, फालतू की बातें कर रहे, इनका मेटीरियल खराब होता है। ये भी नहीं पता अंदर मिल क्या रहा है। क्लो नाम का ब्रांड आया, तीनों ने छोले पड़ दिया। छोले नहीं लगता वो, वो ई के ऊपर मात्रा भी लगा रखी है। थोड़ी देर में मैं वहां खो गया, इनका फोन आया, कहां खड़ा है? मैंने कहा कहां खड़ा हूं? मैं कह रहा हूं भाई नाइकी पहुंच के फोन करता हूं तेरे को। भाई मॉल में ऐप डाउनलोड करी, ऐप में मैप आया, मैप पे नाइकी स्टोर लिखा, वो कह रहा है 750 मीटर से राइट ले लो। मैं कहा भैया इसी मॉल में बताओ ना। कह रहा इसी में बता रहे हैं। मैं कहा तो मेट्रो का टोकन कहाँ से मिलेगा? इतनी दूर पैदल थोड़ी जाते हैं यार। दुनिया जहान की चीजें थी उस मॉल में खरीदने को, सबसे घटिया चीज खरीद कर दुनिया की। भाई एक तो मेरे को ना स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तक। क्या शौक है देखने का किसका फोन आ रहा है, फिर फोन निकाल लो। हैं डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था हमसे ये। हाँ एक तो मुझे जानने नहीं, मेरा दिल कितने पे धड़क रहा है। हमेशा धड़क रहा था, सब ठीक चल रहा था। हाँ मैंने वो पहनी, उस पर 102 लिखा है, मेरी थड़गी 105 है। मैंने ओए ओए ओए। हाँ इतने भाई साहब बहुत ही घटिया यार वो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो स्टेप गिन रही है। हाँ मैंने 2 सिगरेट पी, उसमें वेल डन लिखा है। उसने जो भी उसने बताया गाड़ियों को लेके, और जो मिडिल क्लास लोग करते हैं ये
वो वाला सीन भी बड़ा अच्छा लगा मुझे यार. इसकी वीडियो होती बड़ी कमाल है, हिट होती है, और हमारी ऑडियंस जो हमें इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यार देती है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो हमें सजेस्ट करते हैं. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें जाके इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.